नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। इस वीडियो पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर हम लोग जानेंगे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, फैटिक एटसेट्रा। ओके, तो दोस्तों इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे विथ एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पे जरूर अंत तक बने रहिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो आज की पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे ये है इलास्टिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी क्या होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक स्प्रिंग है। ओके, तो ये इसका ओरिजिनल पोजिशन है। ओके, तो जैसे ही हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग लोड देते हैं तो इसमें देखिए डिफॉर्मेशन आएगा। यहाँ पर देखिए ये इलोंगेट हो गया। ओके, यहाँ पर लोड लगा है नीचे, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इलोंगेशन हुआ है। अब जैसे ही हम लोग इस लोड को रिमूव कर देंगे तो वापस ये इसका पॉजिशन को रिगेन कर लेगा। ओके, साइज एंड शेप को ये रिगेन कर लेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। तो मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है, स्प्रिंग के अलावा और भी मटेरियल है। मान लीजिए इसके ऊपर हमने लोड लगाया तो इसमें देखिए डिफॉर्मेशन आएगा। अब जैसे ही हम लोग इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेंगे तो ये वापस से उसका ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह रहे हैं इलास्टिसिटी। ओके, तो यहां पर देखिए डेफिनेशन हम लोग समझते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी बाई वर्चू ऑफ व्हिच मेटेरियल डिफॉर्म्स अंडर द अप्लाइड लोड एंड इट इज एनेबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द लोड इज रिमूव। जैसे ही हम लोग लोड को रिमूव कर लेंगे तो ये इसका ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा। बट यहां पर देखिए, बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाई द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स के वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है, इज विथ इन ए सर्टेन लिमिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सर्टेन लिमिट के अंदर होगा। इस लिमिट को हम लोग कह रहे हैं इलास्टिक लिमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए समझते हैं। हम लोग के पास एक स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग के ऊपर हम लोगों ने लोड लगाया। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 किलो न्यूटन लोड लगाया, तो इसके वजह से देखिए स्प्रिंग पे डिफॉर्मेशन आया। ओके, अब जैसे ही हम लोग 5 किलो न्यूटन को रिमूव कर लेंगे स्प्रिंग अपना पोजिशन को रिगेन कर लेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर 7 किलो न्यूटन लोड लगाया, फिर से जो स्प्रिंग है यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा और स्प्रिंग में इस बार इलोंगेशन ज्यादा होगा पहले से। अब जैसे ही हम लोगों ने 7 किलो न्यूटन रिमूव कर लिया तो जो स्प्रिंग है वापस से उसका पोजिशन रिगेन कर लिया। फिर हम लोगों ने 10 किलो न्यूटन डाला, इस बार इलोंगेशन और भी ज्यादा हुआ। जैसे ही हम लोग 10 किलो न्यूटन रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग फिर से उसका पोजिशन रिगेन कर लिया। इस बार हम लोगों ने 11 किलो न्यूटन डाला, तो इस बार इलोंगेशन और भी ज्यादा हुआ। बट जैसे ही हम लोगों ने 11 किलो न्यूटन को हम लोगों ने रिमूव कर लिया बट स्प्रिंग जो है वापस से उसके पॉजिशन पे नहीं आया। ओके, सो फ्रेंड्स इलास्टिक लिमिट के अंदर आप इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देख पाएंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, ए बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक इफ इट इज रिटर्न बैक कंप्लीटली टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक बॉडी है, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाया और जैसे ही हम लोगों ने फोर्स रिमूव कर लिया और जो बॉडी है उसका पूरा जो साइज एंड शेप है इसको रिगेन कर लिया है, ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लिया है, तो उस तरीके की जो बॉडी है उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ओके, और दूसरा है देखिए, इफ द बॉडी डजंट रिटर्न बैक कंप्लीटली टू इट्स ओरिजिनल साइज, अगर ओरिजिनल साइज पे कंप्लीटली रिटर्न नहीं हो पा रहा है तब हम लोग इसको कहेंगे पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। ओके, तो ये हो गया दोस्तों इलास्टिसिटी। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी हम लोगों ने तो जान लिया है, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो जो मटेरियल है लोड रिमूव हो जाने के बाद वापस से उसका पोजीशन रिगेन नहीं कर पाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग है, इस तरीके की स्प्रिंग को आप देख पाएंगे पेन में होता है। अगर हम लोग इसके ऊपर ज्यादा लोड लगा देंगे तो इस तरीके से देखिए ये डिफॉर्म हो गया और ये वापस से उसका पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो ये है दोस्तों प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स क्या होता है प्लास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल बाई हुई
इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन, ओके, इन इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन नहीं है, बियॉन्ड दोज एट द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद आप इसको देख पाएंगे, इज नोन एज प्लास्टिसिटी, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। इट इज ऑल्सो डिफाइन एज अनरिकवरेबल स्ट्रेन, ओके, इस बार जो स्ट्रेन हो रहा है ये देखिए रिकवर नहीं हो रहा है, ओके, मतलब यहाँ पर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं डक्टिलिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो आपके पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए और मटेरियल क्रैक हुए बिना अगर एक वायर पे कन्वर्ट हो जाता है, वायर पे हम लोग कन्वर्ट कर पाए, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे कि आप देख पाएंगे कॉपर वायर, ओके, कॉपर को हम लोग खींच के वायर बना सकते हैं, फिर है दोस्तों एल्यूमिनियम, इसका भी आप वायर बना सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। अब दोस्तों जो आरसीसी होता है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, तो इसमें जो हम लोग रेनफोर्समेंट मतलब स्टील यूज करते हैं, तो इसमें आपको डक्टिलिटी देखने मिलता है, ओके, तो स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। सो यहाँ पर क्या लिखा है समझते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इन टू द थीन वायर, ओके, थीन वायर हम लोग बना सकते हैं, इज कॉल्ड डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बी हैमर थीन और स्ट्रेच इन टू वायर विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेकिंग किए बिना ही हम लोग इसको एक वायर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं डक्टिलिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिटलनेस के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल का। सो अगर किसी मटेरियल के ऊपर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाए तो इस मटेरियल पे इलोंगेशन ना के बराबर होता है और दोस्तों इसमें सडन क्रैक आ जाता है, तो मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस, ओके, और इस तरीके की मटेरियल को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन ये भी ब्रिटल मटेरियल होता है, फिर जो कॉन्क्रीट होता है आरसीसी में जो कॉन्क्रीट होता है तो ये भी ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल। चलिए देख लेते हैं ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। ब्रिटल मटेरियल हैव ए स्मॉल प्लास्टिक रीजन एंड दे बीइंग टू फेल टूअर्ड फ्रैक्चर और रैप्चर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर बीइंग स्ट्रेस बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करने जाएंगे तो ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं ब्रिटलनेस, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं मैलिएबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैलिएबिलिटी इसको आप याद रख सकते हैं मैलेट से, ओके, सो मैलेट का मतलब होता है दोस्तों हथौड़ा। अगर आप किसी मटेरियल को हथौड़े से पीट पीट के आप उसको एक थिन शीट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी, ओके। जैसे कि आप गोल्ड को, सिल्वर को, एल्यूमिनियम को, इनको आप पीट पीट के आप एक थीन सीट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल व्हेन ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग कह रहे हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है दोस्तों, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट सरफेस एब्रेशन और इंडेंटेशन, ओके, सो क्या होता है, एक मटेरियल कितना स्क्रैच रेजिस्ट कर सकता है, इसका सरफेस जो होगा जितना हार्ड होगा ये उतना एब्रेशन इंडेंटेशन इसको रोक सकता है, आप आसानी से इसको ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, मटेरियल जितना हार्ड होगा उस मटेरियल के ऊपर आप जल्दी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, बट अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट होगा तो उसके ऊपर आप जल्दी स्क्रैच कर सकते हैं, उसका एब्रेशन जल्दी होगा, इंडेंटेशन मार्क आएगा उसके ऊपर, तो ये होता है दोस्तों हार्डनेस, ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब आप जो एग्रीगेट है उसको टेस्टिंग करेंगे तब हार्डनेस भी आएगा, ओके। नेक्स्ट होता है दोस्तों टफनेस, ओके, टफनेस क्या होता है, देखिए टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिसिटी डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, टफनेस इज द स्ट्रेंथ विथ व्हिच द मटेरियल ऑपोज रैप्चर, ओके, तो टफनेस एबिलिटी क्या होता है, मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा एरिया शो हो रहा है इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या दोस्तों, टफनेस, ओके।
अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे फैटिक के बारे में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो फैटिक को समझने के लिए देखिए, आपके पास मान लीजिए एक लोहे का वायर है, ओके। अब इस वायर को आप काट नहीं पा रहे हैं, तो इसको अगर आप बार बार मोड़ेंगे किसी पोजीशन पे, एक बार इस साइड पे मोड़ा फिर इस साइड पे मोड़ा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आसानी से ये पोर्शन जो है यहाँ पर क्रैक हो जाएगा, ओके। तो ये होता है दोस्तों फैटिक, यहाँ पर फेल्योर आ जाता है। सो फैटिक क्या होता है? फैटिक इज द प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज स्ट्रक्चरल डैमेज दैट ऑकर्स व्हेन ए मटेरियल सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? साइक्लिक लोडिंग हो रहा है, या फिर इस पे रिपीटेटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग हो रहा है। मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग लोड लगा रहे हैं, फिर लोड हटा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है या फिर साइक्लिक लोडिंग हो रहा है, तो वहां पर फैटिक देखने को मिलता है, ओके। सो ये था मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।